उत्तरकाशी में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान और शहादत को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिले से एकमात्र शहीद सर्प गांव निवासी दिनेश चंद कुमाई के बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर देश के शहीद जवानों को याद करते हुए गंगोत्री विधानसभा विधायक और जिलाधिकारी ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी के निर्देश के चलते पूरे जिले के सभी विद्यालयों में शौर्य दिवस मनाया गया और शहीदों को याद भी किया गया। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। शौर्य दिवस और विजय दिवस कारगिल दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर और पूरे जनपदों के अंदर। और जो हमारे तमाम सैनिकों ने जो अपनी आज के दिन इस युद्ध को जीता और इसमें विजय दिवस मनाया जा रहा है, लगभग 74 सैनिक हमारे उत्तराखंड के थे और 537 के लगभग जो है जवान पूरे उत्तराखंड से इस युद्ध में शहीद हुए, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और जो उन तमाम शहीदों ने जो अपने लड़ते लड़ते जो है इस देश को और पाकिस्तान की जो सेना को वहाँ से खदेड़ा, उसके लिए दिवस मनाया जाता है। आप सबको इस दिवस की बधाई देता हूँ। हम सब यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनका तमाम संगठन, तमाम अधिकारी, इसको यहाँ पर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज ही हमारे जिलाधिकारी के द्वारा तमाम विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाए ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, देश के बारे में जो लोगों के बच्चों के प्रति जागरूकता हो, तो ये हमारा ही प्रयास है।